हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुप्रज्ञा काउंट क्लासेज में। आई होप कि दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वो जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सेवन सीज की बात करने वाले हैं। ये जो सेवन सीज है एग्जाम पॉइंट टू पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नॉलेज के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी शुरुआत करेंगे इससे पहले कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले सेवन सीज की बात करेंगे कि किस प्रकार से कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाता है सेवन चीज के अकॉर्डिंग। इसमें सेवन चीज में सात चीज दी गई है, इसकी हम बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बगैर कुछ देरी किए हुए कि सेवन चीज किस प्रकार से काम करती है। सेवन चीज का काम क्या होता है? सबसे पहले इसका ये काम होता है कि ये कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है, हमारे जो मैसेज होते हैं उनको इफेक्टिव बनाती है। अब इफेक्टिव किस प्रकार से बनेंगे, मैसेज को किस प्रकार से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सी है वो है कंप्लीटनेस, पूर्णता। यानी कि कोई भी अगर हम मैसेज किसी भी पर्सन के पास सेंड करते हैं तो वो पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण जो जितना भी जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, जितनी भी हमारी जो मैसेज होते हैं, वो अगर अपूर्ण होता है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। इससे जो हमारे सामने वाला जो श्रोता होता है, जिसके पास में हम भेज रहे हैं मैसेज, वो गुस्से में भी आ सकता है क्योंकि ये पूर्ण नहीं होता। अब पूर्ण होने की कैटेगरी को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें ये चार पांच कैटेगरी होती है जो कि पर्सन पूरा होना चाहिए कि क्या, कब, कहां, क्यों, किसने और कैसे। जैसे कि मान लीजिए आप कोई मीटिंग के लिए किसी के पास में मैसेज कर रहे हो कि फलानी तारीख को हमारी मीटिंग होने वाली है, तो उसमें वो जो मैसेज आप लिखोगे उसमें क्या क्या होना चाहिए तब वो पूर्णता माना जाएगा। सबसे पहले वो क्या है भाई, मीटिंग किसके बारे में है, कब होगी, मीटिंग की क्या तिथि होगी, वो मीटिंग कब होने वाली है, अब जो मीटिंग है वो कहाँ होगी, उसका स्थान के बारे में बताएंगे कि जो हमारी मीटिंग होने वाली है वो किस स्थान पर होगी। अगली पार्ट है क्यों होगी, किसने के द्वारा होगी, कैसे होगी। ये सब अगर मान लीजिए एक मैसेज के अंदर इन प्रश्नों का जो अगर उत्तर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या माना जाता है कि जो मैसेज लिखा गया है वो संपूर्ण है, वो पूर्णता पूरा है। अगली जो बात है कंसिस्टेंस, संक्षिप्तता। यानी कि कोई भी जब अगर हम मैसेज को सेंड करते हैं तो उसको पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, एक छोटे शब्दों में उसको विस्तृत रूप में लिखा जाना चाहिए। यानी कि कम से कम शब्दों में, ज्यादा शब्द ना यूज करके कम से कम शब्दों में उस मैसेज को हम क्लियरली भेज सकते हैं और उसको पूरा करना चाहिए। ये क्या होता है, संक्षिप्तता होता है। अगली है कंसिडरेशन, विचारणीयता। अब जो सभी जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, जिसके पास में मैसेज जा रहा है वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में इसमें बात हो, यानी कि उनकी आवश्यकताओं को, उनके भावों के अकॉर्डिंग, उनके ही अकॉर्डिंग उस मैसेज को लिखा होना चाहिए, जो कि सेवन सीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। उसमें श्रोता के, जो भी हमारे श्रोता है जिसके पास में हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं, उसके बारे में लिखा जाना चाहिए कि उनके विचारणीयता होनी चाहिए। ये हमारा एक पार्ट माना जाता है सेवन सीज के अकॉर्डिंग। अगला जो हमारा सी है वो क्या है, कंसिस्टेंस, विशिष्टता। विशिष्टता माने क्या होता है, कोई भी जब हम मैसेज को सेंड भेज रहे हैं, जो लिख रहे हैं मैसेज को या फिर कोई संचार हम कर रहे हैं, तो उसमें विशिष्टता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप किसी को ये बोल रहे हो कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, तो जो समझने वाले हैं जितने भी ऑडियंस है वो हमारे क्या समझेंगे, कोई कितनी अमाउंट को समझेगा, कोई कितनी अमाउंट को समझेगा। मगर अगर आप ये लिख देते हो कि मुझे 2000 रुपए की जरूरत है, तो इसका मतलब कि आपको मनी चाहिए 2000 रुपए। यानी कि उसमें विशिष्ट होना चाहिए, एक टक की बात होनी चाहिए, जिससे कि मैसेज बहुत ही क्लियरली से हम भेज सकते हैं और क्लियरली से समझ में आ सके। अगली जो हमारे पार्ट है, फाइव पार्ट है, क्लियरिटी, स्पष्टता। जो भी हम मैसेज को भेज रहे हैं या फिर जो भी हम मैसेज को लिख रहे हैं, जो हम संचार कर रहे हैं, प्रिंसिपल है जो इफेक्टिव बनाने के लिए कम्युनिकेशन को, उसमें क्या होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता माने वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज है वो अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि वो सामने वाला हमारी भाषा को समझ सके। सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो कि सब लोग जिसको कि समझ सकते हैं, ऐसी भाषा को लिखना चाहिए जिससे कि क्लियरिटी से हमारा मैसेज सेंड हो सके और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट माना जाता है। अगली जो पार्ट है वो है कर्टेजी, यानी कि शिष्टता।
शिष्टता का माने आदर भाव। अगर हम कोई मैसेज लिखते हैं या फिर किसी भी मैसेज को हम किसी के पास में सेंड करते हैं तो उसमें आदर भाव का होना बहुत ही जरूरी है। आदर भाव का मीन्स जिसमें कि श्रीमान, श्री, ऐसे कुछ आदरिक भाव लगाए जाते हैं बड़ों के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, छोटे के लिए करो, किसी के लिए भी करो, तो उसमें आदर भाव होना चाहिए। तो ये आदर भाव से क्या होता है, एक सेवन सीज का पार्ट माना जाता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, महत्वपूर्ण है, जिसमें कि शिष्टता का होना बहुत ही जरूरी है। अगला जो हमारा पार्ट है सेवन है करेक्टनेस, शुद्धता, यानी कि जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं, हमारे मैसेज को हमने क्रिएट किया और हमने मैसेज को भेजा, तो उस टाइम में हमारा जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ही जो हमारी करेक्टनेस होनी चाहिए, जो हम वर्ड लिख रहे हैं तो वो वर्ड बिल्कुल ठीक होने चाहिए, यानी कि सामने वाले के भी समझ में आ सके। ये जो कुछ एक पार्ट थे, सेवन सीज थे, जो कि हमारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे बिजनेस कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।